भारत जोड़ो नया यात्रा का एमपी में आज तीसरा दिन था। वहीं यात्रा मध्य प्रदेश में शिवपुरी गुना होते हुए राजगढ़ पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने मोदी सरकार को युवा विरोधी करार दिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार को युवाओं को रोजगार देने की चिंता नहीं, पीएम सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की चिंता करते हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार के युवा विरोधी करार दिया। राहुल ने कहा कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नियत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर, वे केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार कर बैठे हैं। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली हैं। राहुल गांधी ने युवाओं से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों है? स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है और न ही सम्मान। खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद दरवाजे खोल देंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।